नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं जो लाजपत नगर और जो सफदरजंग के रोड है, यानी ये राजनगर है और उस पर मौजूद हूं उस रोड पे। और हमारे पीछे आप देख रहे हो कि यहां पे कुछ लोग नारेबाजी लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए। वो जस्टिस किस लिए मांग रहे हैं? दरअसल ये डॉक्टर्स हैं, देश के भविष्य हैं और इनको कहा जाता है कि ये भगवान के दूसरे अवतार होते हैं जो आपके और हमारी जिंदगी को बचाते हैं। लेकिन जब भगवान ही नाराज हो जाए तो सोचिए जिंदगी कैसे बचेगी। ये वो लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और धरना क्यों दे रहे हैं ये इनसे जानेंगे। और डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है जिनसे ओपीडी की सुविधा हो या इमरजेंसी सुविधा हो, सारे बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं ये इनसे जानते हैं। और ये हमारे पीछे नारे लगा रहे, आप लोग कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, किस बात की जस्टिस आप मांग रहे हैं? हम पिछले करीबन 27 नवंबर से हमारा एजिटेशन शुरू हुआ था, बहुत ही पीसफुल मैनर से चल रहा था। 10 दिन से दिल्ली के 5 अस्पताल पूरी तरह से बंद है, लेकिन सरकार की तरह से कुछ इनिशिएटिव अभी तक नहीं आया था। आज भी हम पीसफुल मैनर में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। 7 दिन से हम निर्माण भवन के बाहर पीसफुल थे, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने उठाकर डॉक्टर को, अगर कोई डॉक्टर मजबूर हो रहा है सड़क पे आने के लिए तो आप खुद समझ सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर होगी। और दिल्ली पुलिस ने उठाकर मारा है डॉक्टर्स को, मैनहैंडल किया है फीमेल रेजिडेंट्स को बाय मेल कॉन्स्टेबल्स, ठीक है। और ACP ने डायरेक्ट ऑर्डर्स दी हैं इन सालों को मारो। दीज वर द वर्ड्स, डेफिनेट वर्ड्स, एंड दिस इज हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस कंट्री। और कोविड के टाइम पे हमें वॉरियर्स बना दिया और अभी इतना बेइज्जत कर दिया। इनका कहना है कि पुलिस ने आज, ये RTO पे धरना दे रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया था, और अभी ये मार्च लेके आगे चल रहे। आगे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर आगे मैडम, आगे कहाँ जा रही हैं आप लोग? क्या हम मार्च कर रहे हैं और हमें मिनिस्टर ने बोला है कि मतलब वो हमसे बात करेंगे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू टॉक टू हिम। वी आर इनिशियली एक्चुअली हम सब पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट जो है पुलिस ने पहले मैन हैंडल किया हमें, ठीक है, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम। उनका कहना है कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया जाता है। मैन हेल्डिंग का मामला, यानी कह सकते हैं पुरुष पुलिस ने महिलाओं के साथ बदतमीजी या बदसलूकी का आरोप लगा रही है कि इन्होंने किया है, और ये सड़कों पे मार्च कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट की शुरुआत 17 सितंबर से होती है और अभी तक ये लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार, और नारेबाजी हो रही है कि न्याय चाहिए। और किस बात की न्याय चाहिए यही हम जानने, हम जान न्याय चाहिए। आप लोग नारे लगा रहे हैं क्या चाहिए? न्याय चाहिए। किस बात का न्याय चाहिए? न्याय चाहिए, काउंसलिंग की डेट का न्याय चाहिए। जो चीज 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी आज अभी भी रुकी हुई है। थर्ड वेव आ रही है कोरोना की, उसके साथ हैंडल करने के लिए जब हाथ ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे हॉस्पिटल्स में ICU बेड और ऑक्सीजन? किस तरीके का हाथ चाहिए? डॉक्टर्स, जो हेल्पिंग हैंड्स है हमारे, वो चाहिए हमें। एक चीज मांग रहे हैं डॉक्टर्स, वो भी अपने लिए नहीं, ये पेशेंट्स जो आएंगे ना थर्ड वेव में उनके लिए मांग रहे हैं। वो ही हमारा हेल्पिंग हैंड बनेंगे जिसको हम सिखाएंगे और ये जो थर्ड वेव आ रही है उसको फेस करेंगे। असली प्रिपरेशन थर्ड वेव के लिए ये डॉक्टर्स हैं, ये ICU बेड वगैरह तो सेकेंडरी चीज है। जब उसको चलाने के लिए ही लोग नहीं होंगे तो क्या थर्ड वेव मैनेज करोगे? दरअसल नेट पीजी का एग्जाम हुआ था 2021 में, और उसके बाद से रिजल्ट की घोषणा जो थी या काउंसलिंग की डेट है वो अभी तक स्थगित है। किन वजह से स्थगित है ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि क्यों अभी तक रोक दिया गया। लेकिन डॉक्टर एसोसिएशन है उनका कहना है कि 40,000 से 45,000 जो न्यू कमर्स डॉक्टर जो आते हैं वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, जिसके वजह से जो स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। खैर, इसकी ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी आप लोग मार्च कर रहे हैं सड़कों पर और बोल रहे हैं सिर्फ न्याय चाहिए, किस बात का, मतलब क्या मुद्दा क्या है मेन आप लोग? हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे जो नीट PG की काउंसलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रखी है। 1 साल से कोई सा भी नया बैच नहीं आया है हमारे इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन ओवरलोड चल रहे हैं। कोविड के समय तो इन्हें डॉक्टर भगवान लगते हैं, उसके बाद डॉक्टर की क्या मांगे? हम अपनी सैलरी बढ़ाने की तो मांग कर नहीं रहे। हमारी मेन कंसर्न है कि जो अंडर लिमिटेड स्टाफ काम कर रहा है हॉस्पिटल में, हम भी तो यार अपना जॉब कर रहे हैं। आपको अगर कोई बोला जाए कि आप 24 घंटे प्रेस लेके घूमते रहो तो आप कर लोगे ये काम? तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 2-2 दिन तक हम बिना रेस्ट किए काम करते रहें? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारे हॉस्पिटल में जो नया स्टाफ है
नए डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, उनका एडमिशन हो टाइम पे। बस इतनी सी तो डिमांड है हमारी। हम कोई पैसे बढ़ाने की तो मांग कर नहीं रहे हैं और उसके ऊपर हमारी डिमांड भी नहीं सुनी जा रही है और सड़कों पे हमारे साथ मिसहैंडलिंग की जा रही है। हमारी डिमांड भी पूरी नहीं हो रही, हमारे साथ मारपीट हो रही है। जरूरत पड़ती है उस समय भगवान और प्रोटेस्ट करे तो हैवान। ये कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जनवरी की डेट दी है, न्याय में इतनी देरी तो फिर कैसे, काहे का जस्टिस, कहाँ का जस्टिस है ये? कोरोना का थर्ड वेव यानी माइक्रो वेरिएंट आने वाला है, उसके बाद भी डॉक्टरों की कमी भी है, ये भी अब सब जानते होंगे। बेड की कमी है हॉस्पिटल में, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मुहैया करा पाती है। इनका मांग है कि जो 40 से 45 हजार जो नए आते हैं जूनियर्स, जो स्टूडेंट भी होते हैं लेकिन वो सीनियर डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करते हैं, और वो सीटें जो अभी भी रिक्त है और बाकी जो अभी डॉक्टर है मौजूदा उनकी जिम्मेदारी या कह सकते हैं उन पर एक बोझ बढ़ गया है। और ये चाहते हैं कि जो नए जो नेट पीजी का एग्जाम जो हुआ था 2021 वाला, उसका काउंसलिंग किया जाए और उन बच्चों को आने की अनुमति मिल जाए। आप लोगों की कई दौर की बातचीत भी हुई है, शायद मैं पढ़ रहा था 2-3 बार बातचीत हुई है, तो क्या बातचीत हुई थी उस समय? बातचीत तो हुई है बट उसका कोई रिटर्न में कंक्लूजन नहीं आया है। हम बस चाहते हैं कि हमें डेट मिले नीट काउंसलिंग की। वो तो डेट के लिए हम कर ही रहे थे साइलेंटली प्रोटेस्ट, बट आज जो हुआ मैमसी कॉलेज के सामने में इतने सारे डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वो स्टेट से आए, दूसरे कॉलेजेस से आए और वो यहाँ पे सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे थे साइलेंटली, जस्ट नारेबाजी हो रही थी। इतने में इतनी सारी पुलिस आ गई, उन्होंने महिला डॉक्टर्स को, ऐसा नहीं सिर्फ मेल डॉक्टर्स को, उन्होंने फीमेल डॉक्टर्स को भी मैन हैंडल किया है, उन्होंने लेडीज को उठा करके बस में डाला है मेल ऑफिसर्स ने। सो ये तो कोई जस्टिस नहीं है। आप हमारे ऊपर फूल बरसाइए, पहले हमें कोरोना वॉरियर बोलिए और बाद में हमारे ऊपर लाठी चार्ज करें, हमें उठा करके बस में डाले, ये कहाँ का जस्टिस? आई वॉन्ट टू आस्क द इंडियन गवर्नमेंट, इज दिस वॉन्ट दे वॉन्ट टू डू विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी? आपको समझ में आ रहा है ये कितना? कोई वजह होगा ना, जैसे कोविड का वजह दिया जाता था कि कोविड की वजह से काफी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है या तमाम तरह की? अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ वो अब किस कारण से नहीं हो रहा है ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन PWS जो है उसके कोटा का कुछ होना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 6 तारीख को सुनवाई होनी है। वो पहला बेंच बैठेगा, उसकी पहली हियरिंग होगी, उसके बाद वो कितने डेट हमें देते हैं हमें उसका वो भी आइडिया नहीं है। हम बस ये चाहते हैं ये जो प्रोटेस्ट है ये हो रही है इसलिए हो रही थी ताकि वो डेट वो आगे पोस्टपोन ना हो, बट अब वो भी पोस्टपोन होगी। आज तो जो भी हुआ है उसके बाद तो हमें पता नहीं कितने, मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट को इन्होंने इतना वायलेंट कर दिया है, वी डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, वी फील सो बैड, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि वो डॉक्टर्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। बाकी जैसे इनका वही मांग है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको आने की अनुमति मिल जाए, और बाकी यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 20 सड़क पे ये लोग हैं, और ये लक्ष्मीबाई नगर का ये जो मेन रोड है जो सफदरजंग से आके मुड़ता है उस रोड पे हम लोग हैं, और ये साथ साथ चल रहे हैं इनके साथ, ये लोग आगे जा रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि हम हेल्थ मंत्रालय के भवन पे जाएंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इनके प्रोटेस्ट करने से, इनके धरना पे बैठने से जो आप देखेंगे मरीजों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आप OPD में चले जाइए, इमरजेंसी में चले जाइए, सारी सेवाएं स्थगित है क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर लगभग 6 से 7 हजार के करीब डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर आप लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन इससे हेल्थ सिस्टम पे भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, मरीजों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी सही। लेकिन हम अभी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आगे जो प्रभाव पड़ने वाला है ना, अभी हम मान लो 100 डॉक्टर होने चाहिए अस्पताल में, हम 60 डॉक्टर काम कर रहे हैं, अगर आगे चल के कोविड वेव बढ़ता है तो वो जो 40 डॉक्टर जो अभी नहीं है अस्पताल में उनका काम कौन करेगा? ये सवाल हम पूछते हैं सरकार से, उनका काम कौन करेगा? सरकार तो बोलती है कि मल्टी टैलेंटेड बनिए, आप एक का काम अगर 10 का काम एक के बराबर करिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप पता है हमारी ड्यूटी कितनी होती है? आपको पता है? आप बताइए, अपने अंदाजे से बताइए कितनी ड्यूटी हम करते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी बहुत मुश्किल है, आप अंदाजे से बताइए ना, आप कितने घंटे की ड्यूटी हम करते होंगे? गवर्नमेंट के हिसाब से तो 8 घंटे शिफ्ट लगाया जाता है, लेकिन आप अगर 12 घंटे कर भी सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकता है, ये अनलिमिटेड है, मतलब बस आपका अंदाजा यही है ना। हम एक स्ट्रेच में 72 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आपका जो सोच है ना 10 घंटे, 10 घंटे नहीं हो 72 घंटे, एक बार जाते हैं ना अस्पताल में 72 घंटे अस्पताल में रहते हैं फिर जाके घर वापस आते हैं। अब क्या मांग है आप लोग की? देखिए आप लोग के आंदोलन से
आम जो जनजीवन है वो प्रभावित भी होता है। सरकार प्रभावित हो रही है, सरकार को तो पता नहीं फर्क पड़ता होगा कि नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है? अगर जनता प्रभावित हो रही तो सरकार को भी तो फर्क पड़ना चाहिए। हमारा तो मोटो यही है कि सरकार को फर्क पड़े और काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, तो क्योंकि हाँ बताइए, अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो आंदोलन चलता रहेगा और क्या कर सकते हैं? अब हम 72 घंटे के बजे क्या 108 घंटे ड्यूटी करें? आप ये चाहते हैं हम 108 घंटे अस्पताल में रहें फिर हम घर जाएं, ऐसा चाहते हैं आप? नहीं, हम तो इंसानियत के नाते हम तो नहीं चाहेंगे। सरकार चाहती है, मैं सरकार से पूछता हूँ, सरकार चाहती है क्या ऐसा कि डॉक्टर 108 घंटा ड्यूटी करे एक बार जाके अस्पताल में? आप लोग का जो एसोसिएशन है डॉक्टर एसोसिएशन, उससे कई दौर की बातचीत, 2-3 दौर की बातचीत भी हुई है, तो क्या नतीजे निकले उसके? बातचीत में सिर्फ हवा में बातें होती हैं, कोई कंक्लूसिव बातें होती नहीं है। और यही है, एक बार तो आप लोगों के ऊपर पुष्प बारिश किया जाता है उस समय और अब में क्या अंतर लग रहा है आपको क्या अंतर लग रहा है आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या अंतर लग रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। हमें तो ये लगता कि तब दिखावा था, अब असलियत चेहरा सामने है आपके गवर्नमेंट का। लाठी चार्ज करो, डंडे मारो, सालों को लेके चलो, सालों को पीटो, सालों को गाड़ी में भरो, यही भाषा थी आज आपके गवर्नमेंट की, है ना? खैर, इनकी नाराजगी एक वो जो काउंसलिंग से ही नहीं है बल्कि आज इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो भी एक दुखद है, निंदनीय, क्योंकि आज ये लोग जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया जाता है और डिटेन के दौरान इनका कहना है, इनका आरोप है कि जो मेल पुलिस थी, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो जो गर्ल्स यहाँ पे थी डॉक्टर्स उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीज से पेश आते हैं, उनको मारा जाता है, गालियाँ दी जाती है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा। लेकिन अब सोचिए, एक समय ऐसा भी था कि इन डॉक्टरों के ऊपर पुष्प की वर्षा करवाई गई थी, आपको कोविड का दौर याद होगा कि पूरे हॉस्पिटलों के ऊपर से पुष्प की वर्षा कराई गई, यानी डॉक्टर को भगवान मान लिया गया था। और ऐसा कहा भी जाता है, एक बार और याद दिला दूं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी की जो समस्याएं होती है उसका निदान इनके पास होता है और इलाज करके हमें ठीक भी कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इनको लाठी डंडों का सामना करना पड़ता है, वाटर कैनन का सामना करना पड़ता है, ये वही डॉक्टर हैं। एक बार और विजुअल दिखा दूं मैं, ये बीच सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये वही डॉक्टर हैं जो एक समय इनको पूजा जाता है, हमारे प्रधान सेवक इनके साथ बातचीत भी करते हैं, संवाद करते हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन आज जब ये मांग रहे हैं तब भी इनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है वो भी आपने देखा था। और दूसरी चीज ये भी बोल दूं कि इनका मांगना, ये बार बार बोल रहे हैं कि हम अपनी सैलरी नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी सैलरी की बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि आप डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए ताकि समस्याएं कम हो और जो हॉस्पिटल में जो इंसान समस्याओं से दो चार होता है उसका निदान हो सकेगा, तो ये इनकी मांग है। खैर, देखिए क्या होता है इनके साथ, क्योंकि ये कई दौर की बातचीत भी हो गई, 2-3 दौर की बातचीत भी हुई, वो सब बेनतीजा रहा। अब ये लोग और आज ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे सफदरजंग के करीब अंदर चल रहा था लगभग सितंबर से, और सितंबर के बाद से आज यहाँ ये लोग पहुँचे हैं और देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ। तो खैर, हम जो भी अपडेट होगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और डॉक्टरों की जो मांग है क्या मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे।